दर्शकों मैं आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है इस व्रत को करने से मन को शांति मिलती है हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व तो माना गया है एक साल में कुल चौबीस एकादशी पड़ती हैं और जिसमें निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशी के बराबर फल मिलता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं निर्जला एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है यह व्रत जीवन में जल की महत्वता को बताता है सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है इस बार निर्जला एकादशी का व्रत अठारह जून दो हज़ार चौबीस मंगलवार के दिन रखा जाएगा निर्जला एकादशी की शुरुआत 17 जून को सुबह चार बजकर तैतालीस मिनट से हो जाएगी 18 जून को सुबह छः बजकर चौबीस मिनट पर यह समाप्त होगी निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा और इस व्रत का पारायण अगले दिन सुबह 19 जून को किया जाएगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है इस दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें मंत्रोच्चारण के बाद व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का बड़ा विशेष महत्व है इस दिन वस्त्र छाता अन्न विस्तर का दान करना उत्तम रह जा होता है और इस दिन हम मटका पानी से भरा मटका या उस पानी में मीठा डालकर मटके को भरा कहीं दान करें मंदिर में दान करें अथवा किसी ब्राह्मण परिवार में दान करें पंखा खजूर का पंखा दान करें समय अनुसार फल दान करें खरबूजा तरबूजा दान कर सकते हैं तो ये सब दान बहुत ही निर्जला एकादशी के दिन उत्तम माने गए हैं इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालुओं को बहुत पुण्य प्राप्त होता है माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का भी दोष छूट जाता है सभी एकादशियों के पुण्य का लाभ मिलता है तो दर्शकों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हम आपको आगे बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कथा क्या है